हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स से यूपीएससी एमसीक्यूज कैसे पूछता है। ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज है कि यूपीएससी न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस कैसे पूछता है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आने वाले हैं बहुत जल्दी। प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट से कर ले। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे आते हैं। मैं इस कोट से आज का वीडियो शुरू करूंगा कि अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। यानी कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है ना, जब आपके पास इतने सारे सोर्सेस हो जाते हैं, तो आप हर एक सोर्स पे अपना अटेंशन नहीं दे पाते। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी की, माइंड की भी एक कैपेसिटी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिन में 20 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, तो आप सारे न्यूज़पेपर्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। अगर मैं आपको कहूं कि आपको दो न्यूज़पेपर कवर करने हैं, तो आप दोनों को अच्छे से, बहुत ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अपना अटेंशन भी दे पाओगे और पढ़ भी पाओगे। ठीक है, सो द होल आइडिया इज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो करंट अफेयर्स पे बेसिक जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो ये होते हैं कि करंट अफेयर्स हमें, अगर हमारा प्रीलिम्स है जून में, ठीक है, सपोज करते हैं कि जून में प्रीलिम्स है, तो अगर जून 2022 का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो हमें करंट अफेयर्स कितने ड्यूरेशन का कवर करना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम आपको कम से कम 18 से 20 महीने का करंट अफेयर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का करंट अफेयर्स। ठीक है, सो जून 2022 में प्रीलिम्स है, तो जनवरी 2021 से, ठीक है, उसी तरीके से 2023 मिड में बेसिकली प्रीलिम्स है, तो जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। सबसे पहली बात तो ये, रीसेंट ईयर्स में अगर हम देखें, मैं आपको पिछले साल की ही बात बताऊं, तो 2022 में करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस, तो 15 × 2 = 30 होता है, जो कि आपके प्री निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो भी इंक्रीज हुआ है। कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो तो आपको पता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूपीएससी की खासियत है। ठीक है, और ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में, इंटरव्यू में, यानी कि लेटर स्टेजेस में भी करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास दीन दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, और बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, सिर्फ पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको, उससे रिलेटेड जो डीप इश्यूज हैं उनका भी आइडिया होना चाहिए। तो जनरली करंट अफेयर्स जो है वो कोर सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक एटसेट्रा। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा भी कि पिछले साल का, यानी कि जो 2022 का प्रीलिम्स था, ठीक है, उसमें कैसे यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल भी पीआईबी से रिलेट करके पूछा है। तो अगर आप पीआईबी वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, वो अभी हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। सो करंट अफेयर्स के, करंट इवेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादातर आपको दिखेंगे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, गवर्नेंस मेजर से रिलेटेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज में रहते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, इन्वायरमेंट कन्वेंशंस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, बायोडायवर्सिटी रिलेटेड, जितने भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, बाइलेटरल अग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, इंडिया ने कोई ट्रिटी साइन की है, इंडिया किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का मेंबर बना है, तो इस तरीके के सवाल ज्यादातर आपको करंट अफेयर से दिखेंगे। सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो आपको एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर बेसिकली पढ़ना है, चाहे वो द हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है। स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन न्यूज़पेपर के साथ में आपको पीआईबी रिलीजेस जो हैं, पीआईबी हर दिन मिनिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है, रिलीज जो है, न्यूज रिलीजेस जो है वो बेसिकली जारी करता है, और आपको उसको रेगुलरली पढ़ना है। मटेरियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको स्टिक करना है कुछ अच्छे सोर्सेस के साथ, और उनको आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। नाउ न्यूज़पेपर से सिर्फ आर्टिकल को पढ़ लेना ही जरूरी नहीं है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज, उससे एसोसिएटेड इश्यूज भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए, यूपीएससी का बेसिकली जो नैक है ना, वो ये रहा है कि कैसे हम करंट इशू को स्टैटिक के साथ जोड़ें और फिर स्टूडेंट से सवाल करें। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे हुआ है।
ठीक है। और उसके अलावा दो और इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं वो है योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन। वो भी आप, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी की पूरी मैगजीन का एक एक पन्ना आपको पढ़ना है, सिलेक्टिवली पढ़िए। और जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च बेसिकली जो वेबसाइट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी एक्ट्स अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो भी बिल्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है। नाउ 2022 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आईएमएफ से, यूएनईपी के फाइनेंस इनिशिएटिव से, या फिर वर्ल्ड बैंक से? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक एक तरीके से जो श्रीलंका बैंकरप्टसी के कगार में आ गया, श्रीलंका में काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी, और उस वजह से श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने आईएमएफ के साथ बातचीत की। आईएमएफ से वो असिस्टेंस चाहते थे, मदद चाहते थे, और इसीलिए आईएमएफ का रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस वो मांग रहे थे। और ये खबर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इवन अक्टूबर, नवंबर में भी न्यूज में काफी ज्यादा कवर की गई। तो यूपीएससी ने इसी न्यूज से ये डायरेक्ट सवाल पूछा। अगर आप करंट इवेंट्स फॉलो करते हैं, पीआईबी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आईएमएफ के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ यूपीएससी आस्क्स एमसीक्यूज फ्रॉम करंट अफेयर्स, कि भाई ये खबर है कि श्रीलंका आईएमएफ से मदद चाहता है, बेल आउट पैकेज और बहुत सारी बातें की जाती है ना, तो श्रीलंका आईएमएफ से मदद चाहता है और इस वजह से रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी न्यूज में था। यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू सिटिंग पोज में रामानुजा की, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी हैदराबाद, ठीक है। ये एक सिंपल सी खबर है। देखो जनरली जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते उनके लिए खबर क्या है कि हाँ भाई सिटिंग पोज में रामानुजा की कोई बहुत बड़ी प्रतिमा, बहुत बड़ी स्टैचू जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है। लेकिन बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आपका फोकस तुरंत जाना चाहिए, मेरा फोकस तुरंत कहाँ जाता है कि भाई रामानुजा कौन थे, मैं उनके बारे में पढ़ूं, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ूं। और यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा, और चार स्टेटमेंट यहां पे दे दिए। ठीक है। सो फरवरी 2022, 5 फरवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया था टू द नेशन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इतना भी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। आपको सिर्फ अपने बेसिक्स करेक्ट करने हैं कि कोई चीज अगर न्यूज में है तो उसके डिटेल में जाओ, ठीक है, उसके डीप डिटेल में जाओ, उसके बारे में पढ़ो। और ऐसे अगर आप प्रिपेयर करते रहोगे आपका करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो कवर होता चला जाएगा। देन उसके बाद एक और सवाल आ गया 2022 के ही प्रीलिम्स में, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था सोमनाथ टेम्पल के पास बेसिकली एक न्यू सर्किट हाउस, ठीक है। नाउ सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट पूछ दिए, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई देश का प्रधानमंत्री किन किन चीजों को इनॉग्रेट कर रहा है, ये भी आपको थोड़ा बहुत अपने माइंड पे रखना है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की जो भी बायलेटरल विजिट्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, क्या हुआ है वहां पे कौन सी, मतलब हो सकता है कि वो किसी बहुत ही हेरिटेज साइट में विजिट किया हो उन्होंने, तो उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है। बेसिकली 21 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था सर्किट हाउस एट सोमनाथ, ठीक है। तो इस वजह से यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल यहां पे पूछ दिया। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो मैं बात कर रहा हूं, 2022 के ही प्रीलिम्स में एक सवाल आया, पांच कंट्रीज दिए गए और आपसे पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के मेंबर इनमें से कौन है। मुझे अभी भी याद है एग्जाम के बाद काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि सर हमने तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं सुना आज तक, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने तो कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो आप इसके बारे में भी पढ़ोगे। और मैं आपको बताता हूं यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ऐसे ही
मतलब आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी नहीं पूछा, इस क्वेश्चन के पीछे भी कारण था। 2021 नवंबर में, ठीक है, कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स की 8th समिट हेल्ड हुई थी, ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, 8th समिट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट इस्तानबुल में, 12 नवंबर 2021, ठीक है। तो ये समिट हुई थी, ये मीटिंग हुई थी, तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड सवाल तो आना बनता ही था, ठीक है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे कवर करना है, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज ओपीईसी न्यूज में है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है बिकॉज अल्टीमेटली ऑयल इज द न्यू डेटा जो हम कहते हैं ना, ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेके जो पॉलिटिक्स होते रहती है ओपीईसी हमेशा न्यूज में रहता है। गॉट द पॉइंट? नाउ ओपीईसी न्यूज में है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है अबाउट ओपीईसी कि ओपीईसी क्या है, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था, उसकी हिस्टोरिकल थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाओ कि कहां स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था, जब स्टैब्लिश हुआ था तब इसके कितने मेंबर्स थे और आज की डेट में इसके कितने मेंबर्स हैं, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये पढ़ना है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिश होने के बाद किसी मेंबर ने उसे लीव किया है, कोई नया मेंबर जुड़ा है, लीव कब किया है, नए मेंबर ने बेसिकली नया मेंबर जुड़ा कब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंडोनेशिया इज अ फॉर्मर मेंबर, कतर 2019 में कतर ने ओपीईसी की सदस्यता छोड़ दी थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, नाउ इंडिया और पाकिस्तान स्टार्टिंग में इसका इसके फुल मेंबर्स नहीं थे, लेकिन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने। तो आज भी अगर आपको ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो आपको तो यही लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है, तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, करंट पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, और बीच में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, किसने लीव किया है, कौन नया सदस्य बना है, ये सब आपको जानकारी रखनी है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और क्योंकि मैं ओपीईसी की बात कर रहा हूं तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी एनालिसिस इस चीज की भी करनी होगी कि भाई कतर ने ओपीईसी क्यों छोड़ा, कारण क्या था, ठीक है। एंड देन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ओपीईसी से रिलेटेड आएगी कि भाई अगर किसी कंट्री को ओपीईसी की मेंबरशिप लेनी है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देन दोस्तों एक सवाल आया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो बेसिकली न्यूज में था क्योंकि यूनियन कैबिनेट जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उसको अप्रूवल दे दी थी, ठीक है। हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की ये स्कीम है, 1600 करोड़ का 5 साल का इसका बजट था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी थी और यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया। सो गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको साल डेढ़ साल में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम सरकार ने लॉन्च की है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या प्रोविजंस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, सरकार इसके तहत बेसिकली लोगों को क्या बेनिफिट्स देना चाहती है, क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे आर्ट एंड कल्चर का सवाल भी अगर आप न्यूज़पेपर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया 2022 के प्रीलिम्स में कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर, ठीक है, एंशियंट साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर से रिलेटेड इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा होगा। और क्या संगम लिटरेचर न्यूज़पेपर्स में था, द हिंदू का ये आर्टिकल है उसकी हेडिंग है डू नॉट रीनेम संगम लिटरेचर, ठीक है।
तो बेसिकली साउथ इंडिया में काफी ज्यादा इसको लेके चर्चा चल रही थी, और टीडीपी ने, ठीक है, टीडीपी ने राज्य सरकार का जो एक मूव था कि भाई हमें कहीं ना कहीं तमिल संगम लिटरेचर को द्रविड़ कलंजियम के नाम से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका अच्छा खासा विरोध हुआ था। टीडीपी ने कहा था कि नहीं, संगम लिटरेचर का नाम किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं। सो ये एक इतनी सी खबर थी बस, ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाना है, ये छोटी सी एक खबर थी बस, ठीक है। लेकिन संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा रूल ये है कि जब भी कोई न्यूज आइटम आप पढ़ो, तो न्यूज आइटम भले ही इंपॉर्टेंट ना हो उतना, लेकिन उस न्यूज आइटम की जो कीवर्ड है, जैसे यहां पे संगम लिटरेचर है, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में पढ़ो। यहां आपको राज्य की राजनीति में नहीं जाना है कि राज्य सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है, ऑपोजिशन क्यों इसको अपोज कर रही है, दैट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ठीक है, समझ में आई बात। देन उसके बाद एक सिंपल सा सवाल आया था ये कि भाई इनमें से कौन सा लेक वेस्ट अफ्रीका का ड्राई हो चुका है और अब एक रेगिस्तान बन गया है, ठीक है। सो लेक फैबी फैगी बीन जो है इसका आंसर था, और ये भी न्यूज में था, ये भी न्यूज में था कि भाई रिसेंटली ये ड्राई अप हुआ है और डेजर्ट में टर्न हो गया है, जिस वजह से यहाँ रहने वाले आसपास के जो लोग हैं वो मजबूर हैं इस जगह को छोड़ने के लिए, भाई पानी ही नहीं है तो फिर वहां पे वो जिएंगे कैसे। तो ये न्यूज में था, अब ये आपका ज्योग्राफी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से वेब 3.0, नाउ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉक चेन, ओके, ये सारी चीजें काफी ज्यादा चर्चा में है, और क्योंकि ये 2022 प्रीलिम्स का सवाल है, तो लगभग 2021 से अगर हम देखें तो बिटकॉइन्स पे बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है। सो वेब 3.0 जो है ये भी बहुत अच्छा खासा न्यूज में था। बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पोटेंशियल नेक्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। अभी वेब 1.0 2.0 की बात हम करते हैं, 3.0 जो होगा उसका एक थर्ड स्टेप होगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रन होगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो न्यूज में थी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक को कैसे यूपीएससी करंट से रिलेट करता है ये आपने देखा। देन उसके बाद एक सवाल आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अब ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है जिसकी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अक्टूबर 2021 में ये न्यूज आई थी कि चाइना ने एफओबीएस टेस्ट किया है, ठीक है। तो चाइना ने एफओबीएस टेस्ट किया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था, और यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया। इट इज अ वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम दैट यूजेस अ लो अर्थ ऑर्बिट टूवर्ड्स इट्स टारगेट डेस्टिनेशन। तो आप देख रहे हैं मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं कोई 2018-19 की बात नहीं कर रहा, मैं 2022 की बात कर रहा हूं जो कि रीसेंट प्रीलिम्स हुआ है। तो कैसे पिछले 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उससे यूपीएससी ने सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं। देन देयर वाज अ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गुची। नाउ समटाइम्स इट इज मेंशनड इन न्यूज, ये क्या है, इट इज अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये भी न्यूज में था, ये न्यूज में क्यों था पता है, 2021 में ये न्यूज में था कि भाई पहली बार भारत में विश्व का सबसे महंगा मशरूम गूची हिमाचल प्रदेश में आर्टिफिशियली कल्टिवेट किया गया। अब ये इतनी बड़ी खबर न्यूज में थी, इसको लेके जीआई टैग की बात भी चल रही थी, जाहिर सी बात है यूपीएससी ने तो सवाल पूछना ही था, यूपीएससी ने पूछ दिया। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब भी इस तरीके की कोई चीज न्यूज में रहे, आपका यूपीएससी माइंड घूमना चाहिए कि ये क्या है, मैं इसके बारे में पढ़ूं, ये क्या कहां ग्रो होता है, इसके ग्रो की कंडीशंस क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी लूं। जब आपका माइंड इस तरीके से वर्क करेगा ना दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बनने लग जाएंगे। एक और सवाल आप देखिए, 2022 प्रीलिम्स में आया कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है। अब ये होने को तो बहुत ही आसान सवाल लग रहा है,
लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको लगेगा कि भाई हो सकता है ये भी बर्ड ना हो सकता है ये भी बर्ड ना हो, नहीं पता तो नहीं पता। तो इसका आंसर था गोल्डन महसीर, क्योंकि गोल्डन महसीर जो है वो फिश है। और ये इंडियन एक्सप्रेस में सीधा सीधा न्यूज आइटम था 2021 में कि भाई ब्लू फिन महसीर इज आउट ऑफ द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट के मतलब बेसिकली आईयूसीएन रेड लिस्ट में जो स्पीशीज होती हैं, जो इंडेंजर्ड होती हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन को डेंजर है, उन पे काम नहीं किया गया। लेकिन जब उन पे काम अच्छे से हो गया, उनका कंजर्वेशन स्टेटस बढ़ गया, तब तो वो धीरे धीरे इस रेड लिस्ट से बाहर हो जाती हैं, लीस्ट कंसर्न में आ जाती हैं। सो सेम हुआ था ब्लू फिन महसीर के साथ, और दिस इज द ब्लू फिन महसीर। तो अगर आपने ये न्यूज पढ़ी होगी तो आपसे ये सवाल ना बने, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आप मेरा पॉइंट आई गेस समझ रहे हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स से यूपीएससी ने 2022 प्रीलिम्स में सवाल पूछे। ठीक है, देन क्रिप्स मिशन का एक सवाल था। अब आप सोचेंगे कि ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये कैसे करंट अफेयर से आप रिलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों पीआईबी में 28 अगस्त 2021 को ये खबर थी, क्योंकि 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट को मार्क करने के लिए एक एग्जीबिशन लगाया गया था। और आपको पता ही है कि क्रिप्स मिशन की जो फेलियर है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण बनी। क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जिसने एक बहुत बड़ा रीजन दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च को। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो चीजें हैं, जो ज्यादातर न्यूज में रहती हैं, अच्छे खासी प्रोबेबिलिटी होती है कि यूपीएससी वहां से क्वेश्चन उठा के पूछेगा। ठीक है, देन बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो था वो न्यूज में था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रीकास्ट करना चाह रही थी, कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर करना चाह रही थी, तो ये न्यूज में था। और यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया, तीन स्टेटमेंट डाल दिए कि भाई इसका चेयरमैन कौन होता है और क्या होता है क्या नहीं। उसी तरीके से बिटकॉइंस, क्रिप्टो, नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटी, ये सारी चीजें न्यूज में थी, तीन स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन यहां पे पूछ दिया। तो 2022-23 के बजट में भी ये खबर आई थी दैट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड कैपिटल गेन्स फ्रॉम एनएफटीज एंड क्रिप्टो विद 30% इनकम टैक्स, और काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी क्रिप्टो के लीगैलिटी को लेके। तो बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉन फंजिबल टोकन के बारे में पढ़ना आपसे एक्सपेक्टेड है, यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं आपने जरूर उसको समझा, और आपकी आने वाले प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होगी वो जरूर जरूर इसी तरीके से मॉडल्ड होगी कि आप हर एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ें और उसकी थोड़ी सी ना बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है उसको रिसर्च करें और अच्छे से उसको तैयार करें। तो दोस्तों मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।